उड़ान कैंपस का यूट्यूब देखने वाले गाबरू छोरे स्वेसन छोरिया ने आज जोड़ के राम राम। आज का अपना टॉपिक है वेशभूषा तो मेरा पैट क्या होगा, हरियाणा के लोक नृत्य आज आप पढ़ांगे। कोई भी पेपर हो लगभग लगभग एक आधा नंबर इसमें पक्का एचएसएससी चूस है, और आज लोक नृत्य जमा एनडी वाले तरीके से पढ़ने का काम करांगे। देखो सबसे पहला नृत्य है रास नृत्य। रास नृत्य इसका नाम तो मेरा पटन लग रहा है, यो जो नृत्य जो है यो किससे संबंधित है, यो है रासलीला से संबंधित है। रास नृत्य किससे संबंधित है, रासलीला से संबंधित है रास नृत्य। देखो इसमें क्या है, प्रेमी प्रेमिका की कहानी है, प्रेमी प्रेमिका की कहानी है। मार्कर नया दे दो जी। यानी इसमें क्या है, प्रेमी प्रेमिका की कहानी बताई गई है रास नृत्य में। रास लीला है आपस में प्रेमी प्रेमिका दोनों मिले, बातचीत करें, आनंद होने लगे काया में। जब हाथ मिले हाथा में आनंद होने लगे काया में, जब हाथ मिले हाथा में मिश्री कैसी डली गुड़न लगी आपस की बाता में। दादा लक्ष्मी की लाइन। यानी आपस में प्रेमी प्रेमिका बात करेंगे, मिले जुलेंगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, सारी बात फाइनल हो जाएगी। यानी यो जो रासलीला है भगवान श्री कृष्ण रासलीला क्रिया कर दे यूपी में ब्रजभूमि में। अब वह रासलीला देख के अपना हरियाणा में आएगी। देखो इस वीडियो खातर में दादा बालकिशन कौशिक का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रेमी प्रेमिका का जो मामला है, यानी गोपियां भगवान कृष्ण के गले रासलीला क्रिया कर दी, वो यूपी का है ब्रजभूमि आया है, अपना हरियाणा में खास तौर पर पलवल और फरीदाबाद में क्रिया जाओ है। बहुत याद रखना है पलवल व फरीदाबाद, यानी याद रखना अपना जो रासलीला है वो अपना हरियाणा में कड़ा कड़ा करी जाओ है पलवल और फरीदाबाद में। और ऊन तो भाई देखो तो आजकल सारे रासलीला चल रही है, कड़ा को नहीं होती रासलीला, बस दो जगह याद रखनी है पलवल और फरीदाबाद में। देखो इब के देखो मिल लिए जुलिए सारा घूम लिए देख लिया, इब अगला कदम के है भाई प्रेमिका का होगी ब्याह करूंगी। ब्याह करने खातर क्या चीज चाहिए। देखो ये जो रास नृत्य है इसके दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है तांडव नृत्य। देखो तांडव नृत्य है यो आदमियों के द्वारा किया जाओ, यानी प्रश्न आओगे तांडव नृत्य कौन सा है, यो पुरुष प्रधान है, यानी इसमें आदमी नाचेंगे इसमें, ठीक है उन्हें नाचन लग रहे आदमी। तो दूसरा इसका लस्या नृत्य, लस्या नृत्य इसे का रूप है। इसका में क्या होगा, महिला हरियाणा में पढ़ाते पढ़ाते महिला की जगह लुगाई लिखने लिखा गया था, बस लिख गया था। देखो तांडव जो नृत्य जो है वो पुरुष कर रहे हैं, और दूसरा जो है यो नृत्य जो है लस्या नृत्य जो है यो कौन कर रहे हैं, नृत्य महिला कर रहे हैं। देखो तीन चार बात याद रखनी है इसकी, के रास नृत्य रासलीला है, प्रेमी प्रेमिका की आपस में कहानी है, इसमें पलवल और फरीदाबाद यूपी तक लगते जो जिले हैं उनमें यो नृत्य किया जाओ है। इसके दो प्रकार तांडव नृत्य में आदमी कर रहे हैं, लस्य नृत्य में कौन है लुगाई यानी महिला इसमें नाचन का काम कर रहे हैं, ठीक है याद हो जाएगा। इब देखो आपस में प्रेमी प्रेमिका घूम के आगे बात आएगी ब्याह पे, यानी ब्याह के बाद में फिर ब्याह खातर दूसरा नृत्य कौन सा होगा, घोड़ा या घोड़ी नृत्य। देखो दूसरा नृत्य है घोड़ी नृत्य या फिर घोड़ा नृत्य, घोड़ी नृत्य। देखो प्रश्न पेपर में पूछ जाओ घोड़ी नृत्य किस मौके पर किया जाओ, किस टाइम पर किया जाओ है। अब घोड़ी नृत्य जो है शादी में ब्याह में जो है पुरुषों के द्वारा किया जाओ है, जो अपना ब्याह शादी है उसमें कौन करा है, पुरुष करेंगे घोड़ी नृत्य। इसमें क्या होगा, मुखोटा पैर लेंगे घोड़े का और मुखोटा करके डांस करेंगे नाचेंगे। आजकल को नहीं रह रही ये सारी चीज, पहली होया कर दी या फिर बड़े बड़े शहरों में हुआ, गांव में तो दादाड़ी बात से बोलिया कुत्ते पड़ ले इनके गले सा सौदा हो तो। अरे ब्याह भी कौन रह रहे आजकल, गोद में जाओगे पांच आदमी जाओगे, दूसरे नुए कौन बेरा पड़ता ब्याह में आए एक तैरक बताए हैं, बहुत मुंडा जमाना आ गया। पेपर प्रश्न क्या हुआ, घोड़ी नृत्य कौन कराया करा, ब्याह में कराया जाओ कौन करेगा, पुरुषों के द्वारा घोड़ी नृत्य कराया जाओ। देखो रास नृत्य में क्या हो गया, धनवान रास लीला रचाई रचायली ब्याह करने जिक्र गया, घोड़ा नृत्य कर लिया ब्याह में पुरुषों ने कर दिया। इब देखो बारात बिगी, बरात करें पाछे फिर ये लुगाई छोरी डांस हो गया, के नाम इसका नंबर तीन पाया जाओ खोड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा, खोड़िया नृत्य। देखो
खोड़िया जो नृत्य है ब्याह होया पाछ है बरात जब जाया करे बरात जाने के बाद में बरात जाने के बाद में कौन करे घर की जो पाछे ते महिला जो बच जाओ ना लेडी जो बच जाओ है वह नचा करे बरात जाते उस ना पे के बोल रहा खोड़िया नृत्य है और गाने गाओ उसमें फिर हरियाणा जी कड़ा गए खत्म हो गए वो गीत आधी सी रात ने मेरी नींद उचट गई हेली में बढ़ गए चोर उई मां मैं डरगी उई मां मैं मरगी चोरा का तुम लुआई है खेवरा को मलंग था बरात आएगी देखो रासलीला रासलीला रचाने के बाद में फिर घोड़ा नृत्य हो गया घोड़ा नृत्य होने के बाद फिर क्या हो गया खोड़िया नृत्य हो गया खोड़िया नृत्य कौन कर रहे हैं महिलाएं कर रहे हैं बरात जाने के बाद में ठीक है अब देखो ब्याह हो गया ब्याह होने के बाद में फिर क्या कर रहे हैं अपने मांगनी आ कर रहे हैं वहां आपका काम करेंगे मैंग के ले जाएंगे तो चौथा नृत्य होगा फिर इसमें मंजीरा नृत्य देखो मंजीरा नृत्य मंजीरा हो वाद्य यंत्र वो तो नहीं वो बजा कर उस तरह तारसी लेके आकर वो नौकरणी आकर हुआ है ये वो मंजीरा नृत्य है तो याद रखना अपना मंजीरा एक वाद्य यंत्र भी है और मंजीरा देखो मैं से मंजीरा है मैता होगा मेवात यानी मंजीरा कड़े करा जाओ है मेवात में करा जाओ है दूसरा एक और नृत्य है मेवात का इसका गला याद रख ले उसका नाम रतवाई नृत्य है रतवाई जो है यो भी कड़क रह जाओ है मेवात में मांगणिये मेवात यानी मंजीरा नृत्य मेवात में रतवाई जो नृत्य है यो भी कड़क रह जाओगा यो भी मेवात में कटा जाओ देखो इब के हो गया रासलीला कर ली फिर रासलीला कर दे घोड़ी पर नाचन घोड़ी आएगी घोड़ा डांस कर लिया खोड़िया नृत्य लुगाइया ने गीत गात गा लिए जाने के बाद में फिर मांगनी आ गए इब के होगा ब्याह के बहू आएगी बहू ने फिर के करेंगे दो कमरवा के ले आऊंगे तो चौथा एक पांचवा अगला नृत्य कौन सा आ गया फिर गणगौर नृत्य देखो ऊं तो गणगौर नृत्य जो अपना कौन हो अपना आया राजस्थान तक गणगौर नृत्य में क्यों है आज जिसका आप दिन मना रहे हैं शिवरात्रि है यानी शिवजी और पार्वती की पूजा करी जाओ है मां पार्वती जो है शिवजी और पार्वती की पूजा कौन सा नृत्य में करी जाओ है गणगौर नृत्य में शिवजी और पार्वती को खुश करने खातर के करा जाओ है नृत्य करा जाओ है राजस्थान ता है अपना अगर नो पूछ ले गणगौर नृत्य हरियाणा में कौन से राज्य ता है तो राजस्थान में तो अपना आयो दूसरा अपना खास तौर पर दो ऐसे जिले हैं जिनमें वो प्रसिद्ध है एक तो अपना इसारे जिला इसारे लिख लो बस इसार में बहुत फेमस है गणगौर नृत्य शिवजी और पार्वती जो है इसकी पूजा करी जाओ है याद हो जाओगा देखो इब के है गणगौर नृत्य यानी शिवजी पार्वती का मंदिर में बहु ने दो मरवान बिक जाए पहली रास नृत्य हो गया फिर घोड़े हो गया फिर खोड़िया नृत्य हो गया बरात होगी फिर मांगनी आ गई फिर बहू ने दुकाए ले बहू ने दुकाए ले सारा काम ओके हो गया ई फिर एक के काम बच गया ई जुट जाओ फिर अपना काम पर लग जाओ है और फिर थोड़े दिन पाछे टेम पूरा होंगे छठी नृत्य आ जाए देखो छठी नृत्य कोई काम नहीं रह रहा आजकल लोगों ने निरी जनसंख्या बढ़ाओ है निरी जमा कंट्रोल नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाओगे देखो छठी नृत्य है सीधी सी बात है एक बात याद रखनी है यो बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन से दिन हुआ है छठे दिन छठी गाई जा कर है इस छठी में ओ के है देखो बाकली बैंडी जा कर है HSSC में प्रश्न पूछा था कि बाकली कौन से नृत्य में बैंडी जा कर छठी नृत्य में बाकली गाने गाऊंगी मेरा नो डांडी का बीजना जेठा ने गड़वा दिया जेठ ने नो डांडी का बीजना गड़वा दिया फिर वो कहूंगी देखना जाओगे इसका तो छोरे का जमा आंख ताऊ पर गई है माथा ताऊ पर गया है फिर उसकी माँ कहोगी एक के है यो बीज मरना का इंडिया करता उरे बहर आएगा उगदरण जा करता इस बहु वाला कमरा का बहर को इंडिया करता इसकी छोरी पड़गी देखो बुढ़िया कितनी कलाकार वाला कर दी छोरी नू कौन पड़े बिना XXYY बिना छोरी पड़े को नहीं घुमा के नुका कर दी खा छोड़ी पड़गी याद की रखना है छठे दिन किरा जाओ है बाकरी बैंडी जाओ इस कमे याद हो जाओगा इस पाछे फिर के है एक और नृत्य इस तरह मिलता जुलता है बहुत बार पूछ जाओ पीलिया नृत्य पीलिया नृत्य ये जो पीलिया नृत्य जो है छोरा जब जम है तो छोरा जमने के बाद में जो कुआ पूजन जो है कुआ पूजन किरा कर कुआ पूजन पर पहली गाने हरियाणवी गाने गाते जा करते कितने सुतरे लग गया करते आजकल DJ आएगी और DJ पर इसे गाने चल रहे हैं सारे काम में रुका पड़ गया त्रिबाण का रोला हो गया मामा भी आ रहा है कुआ पूजन में और मामा बणजा जो है
मामा कहानी अंगले का हो गया, सारे काम में त्री मान का रोला हो गया, देख रहे बेटा चारा हो गया समा। दो बात याद रखने, छठे नृत्य छठा दिन करा जाओ, बाकड़ी बैंडी जाओ, इसमें पीलिया नृत्य कुआ पूजन का टेम्पो हो गया, ठीक है। उसके पाछे अगला जो नृत्य जो है, दो है नृत्य, एक तो है झूमर, देखो एक घूमर, झूमर जो नृत्य जो है, झूमर एक तरह का आभूषण और माथे में पहना करे, ठीक है। झूमर जो नृत्य नृत्य जो है यो लड़कियां के द्वारा करा जाओ, अपने पंजाब तो अपने हरियाणा में यो आया है झूमर नृत्य, यो ना ढोलक की थाप पर करा जाओ है, ढोलक की थाप पर झूमर नृत्य करा जाओ है। इसे नृत्य ने हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाओ है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, हरियाणवी गिद्धा किसने कहा जाओ है, झूमर जो नृत्य उस नाम पे हरियाणवी गिद्धा भी कह दिया, हाँ छोरी कर रहे हैं पंजाब का अपना वहां, ठीक है। उसके बाद में अगला है घूमर, देखो एक तो झूमर है का घूमर, घूमर आया है अपने राजस्थान तक, एक फिल्म आई थी पद्मावती फिल्म, देखी हो तो आपने, पद्मावती में विवाद हो गया था इसे घूमर नृत्य के ऊपर, नाचन के ऊपर, क्योंकि वो राजपूताना महिला थी वो कराया कर दी, और दीपिका पादुकोण ने जब वो घूमर नृत्य कराया था उसके ऊपर विवाद रहा था कई दिन तक, लालू प्रसाद यादव की छोटी वो जो अपर्णा यादव नाम उसने कराया था उस पर भी कई दिन विवाद रहा था। जो घूमर किसने बोला, लहंगा होना, लहंगे का जो घेरा उसने घूमर बोला, घूमर नृत्य जो है अपना करता राजस्थान का है, और खासतौर पर अपने बांगर के इलाकों के अंदर ये प्रसिद्ध है, ठीक है, करता है वो राजस्थान से आया है, लहंगे का घेरना पे घूमर का, वहां झूमर पंजाब का है, घूमर करता है, घूमर अपना करता है राजस्थान का, ठीक है। उसके पाछे फिर अगला जो नृत्य जो है वो है बहुत फेमस नृत्य है अपना हरियाणा का, इसका नाम है धमाल नृत्य। देखो एक तो इसके बहुत प्रश्न पेपर में हुआ, एक तो पहली बात तो धमाल की यह याद रखनी है यो पुरुषों द्वारा कराया जाओ, हालांकि इसमें महिला भी भाग ले लो है, पुरुषों के द्वारा धमाल नृत्य कराया जाओ है। दूसरा यो जो नृत्य है ना अपना हरियाणा में, यो महाभारत काल से चला आ रहा, देखो महाभारत काल से, इसका मतलब क्या है, महाभारत काल तक चला आ रहा था यो जो धमाल नृत्य है, यो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, और एचएसएससी ने पूछ भी लिया कि हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो धमाल जो है वो अपना हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, ठीक है। फसल जब पक जाकर, फसल पकड़ के बाद में खुली रात में यानी चांदनी में कराया जाओ है, खुली रात के अंदर खुले आसमान के अंदर कराया जाओ है, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, धमाल जो नृत्य है वो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, पुरुषों के द्वारा कराया जाओ, महाभारत काल से नृत्य के है चले आ रहा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो नृत्य है वो है लूर नृत्य, यो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी प्रश्न पेपर में प्रश्न आ लिया, लूर नृत्य। देखो लूर की खास बात है, यो बांगर में कराया जाओ, कड़ा कराया जाओ है बांगर, और बांगर की राजधानी किसने बोला, हाँ बांगर की राजधानी बोला जींद जिले का उचियाना शहर जो है उसने बांगर की राजधानी किया जाओ है, वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह को बांगर का चौधरी भी किया जाओ है, यानी बांगर की राजधानी कौन सी है, उचियाना बांगर की राजधानी है, और लूर नृत्य खास तौर पर बांगर में किया जाओ। इसमें क्या चोरी कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहा है, चोरी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, यानी प्रश्न उत्तर कौन से नृत्य में पूछे जाओ है, लूर नृत्य में पूछे, चोरी आपस में बात कर रहे हैं, तेराड़ा के साक्ष है, यानी आपस में बात करेंगे, लूर नृत्य जो है वो कौन से नृत्य, लूर जो है वो इसमें क्या है, प्रश्न उत्तर पूछ जाओ है, खास तौर पर कड़ा फेमस है, बांगर में खास तौर पर फेमस है, ठीक है। उसके बाद मैं रफ करूं, अगला जो नृत्य है वो है बहुत जरूरी है, बार बार पेपर में पूछा जाओ है, छड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य। देखो ये जो छड़ी जो नृत्य है यो बादुओं में कराया जाओ है, भाद्रपद जो है यानी बादुआ अपनी देसी भाषा में लिखा, तो बादुओं में कद कराया जाओ है, गोगा नौमी में कराया जाओ है, गोगा नौमी कद कराया जाओ है, गोगा नौमी पर कराया जाओ है। एक प्रश्न पूछा था भाई हरियाणा में सांपों को खुश रखने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाओ है, तो सांपों को खुश रखने खातर कौन सा त्यौहार मनाया जाओ है, गोगा नौमी मनाया जाओ, और गोगा नौमी के ऊपर जो छड़ी जो नृत्य है वो को नहीं आप गुग्गा बजा कर डेरू बजा कर ढूम 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 उस तरह की आवाज आकर हुआ है, वो एक बेल से हुआ करप में जाकर है, यो जो हो छड़ी नृत्य हो, याद हो जाएगा छड़ी नृत्य। हाँ एक और प्रश्न एचएसएससी ने आया था, दादा बालकृष्ण का कहना है भाई एक छड़ी नृत्य में क्या था, इस तरह पेपर प्रश्न एचएसएससी ने पूछ लिया, बोले वो कौन सा त्यौहार है जिसमें एक लंबा सा बांस लेके उसके चारों ओर कपड़ा लपेट के उसके ऊपर मोर पंखी लगाई जाती है, अरे वो गुग्गा तो वो है, यानी गुग्गे ने कहो इतना घुमाया फिर आके पागल बनाने की कोशिश करा एचएसएससी, बहुत लुचपना कर दिया कई बार। सांपा ने खुश करने खातर कौन सा त्यौहार मनाया जाओ, गुग्गा नौमी मनाया जाओ है, बादुआ की नौमी ने गुग्गा नौमी आओ, और इसे पर कौन सा नृत्य हो है, छड़ी नृत्य हो, ठीक है। उसके बाद अगला नृत्य है डफ नृत्य, और ये गुग्गा जो छड़ी नृत्य है पूरा हरियाणा मनाया जाओ, देखो भाई डफ नृत्य, डफ जो नृत्य है बसंत ऋतु के आगमन पर कराया जाओ, देखो
दफ नृत्य जो है बसंत ऋतु जो है बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य कराया जाओ हरियाणा में, डफ नृत्य वो है, खत्म हो लिया आजकल ये नृत्य। हाँ, इसके डफ नृत्य में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता हो। एक बार एचएसएससी ने प्रश्न पूछा था कि कौन से नृत्य के अंदर वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता हो है, तो याद रखना वीर और श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वो कौन से नृत्य में वो है, डफ नृत्य में वो, ठीक है। उसके बाद में 1969 याद करो, 1969 के अंदर जब 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के ऊपर जब जाके निकाले गए थे ना गणतंत्र दिवस की परेड में 1969 में डफ नृत्य कराया गया था, हरियाणा की तरफ से गया था, यानी सारे राज्यों के जाके निकला है, उन राज्यों में हरियाणा ने डफ नृत्य दिखाया था 1969 में गणतंत्र दिवस पे पहली बार, ठीक है। उसके बाद में अगला जो नृत्य है वो है खेड़ा नृत्य। देखो खेड़ा नृत्य जो है आज किताबों में लिखा पाओ है बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर खेड़ा नृत्य कराया जाओ है, सबका तो ब्योत को नहीं होता, यो क्यों है बूढ़ा मर गया, अमीर आदमी जिसका घर जुगाड़ है वह क्या करेंगे, काज करेंगे, सतरवीं करेंगे, काज या फिर सतरवीं, सतरवीं समझो काज करेंगे, उस टाइम पर लुगाई जो है नाचेंगे खेड़ा नृत्य पे, पेकादल किताबा लिख दें कि बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर कराया जाओ, गरीब आदमी का तो कोई होता, यो जिसका बेचारे का जमाए खाना दाने ग्रास है कोई, बूढ़ा मर गया वो करता खेड़ा नृत्य करवाओगा, करता नचवाओगा, यानी काज या सतरमी पर कराया जाओ है, बुजुर्ग की मृत्यु हो जाओ उसको ऊपर ये प्रोग्राम होया करा खेड़ा नृत्य, ठीक है। उसके बाद रब कर दूं आगे चला हूं, बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस नृत्य के प्रश्न एचएसएससी पूछा है, नृत्य का नाम है तीज नृत्य, तीज देखो बहुत जरूरी है और सामण का भी ना लग रहा है, यानी तीज कदा है श्रावण मास में, दोबारा तो लिखा जाओगा श्रावण मास में जो है वो के है तीज आओ है, यानी तीज कौन सा महीना मनाए जाओ है, श्रावण मास में तीज मनाए जाओ है। एक प्रश्न पूछा था एचएसएससी ने भाई कौन से त्योहार का संबंध पींग और पाटड़ियों से है, देखो पींग और पाटड़ी जो है इसका संबंध किससे है, तीज से के है, पींग और पाटड़ियां का संबंध किससे है, तीज से है। हाँ, श्रावण मास की जो तृतीया हो ना, जो इस दिन तृतीया दिन तीज हो है, नौ शास्त्री जी बात है, सामण की तृतीया न के वो है तीज मनाई जाओ, ठीक है। एक रागनी सुनी होगी आपने, सामण बीत गया सारा झूल गलीना डाले पे, तेरे फोटो गेला झगड़े जासू जो दर गया था आले में, सोमवती चाप सिंह का किस्सा सुनना कभी। सामण की तीज जो है सामण का महीना में तृतीया दिन तीज मनाया जाओ है, पिंग पटड़ी का समन तीज तो है। इसमें एक और खास बात की है, इसमें कोथड़ी दे जाओ, और यह प्रश्न पूछा गया था भाई कौन से नृत्य पर कोथड़ी दे जाओ, तो याद रखना कोथड़ी सामण में दे जाओ, मौसम चल रहा कोथड़िया का, श्रावण मास के अंदर कोथड़ी दे जाओ तीज के आसपास दे जाओ, ठीक है। उस पाचा फिर अगला जो नृत्य है वो है फाग नृत्य। देखो फाग नृत्य जो है पुराना टाइम लगता, पुराना टाइम में होली तो दो हफ्ते पहले दो हफ्ते बाद तक चलिया करता है, यानी दो हफ्ते पहली होली तो दो हफ्ते पाछे, यानी 14-14-28 दिन हो गया, यानी कुल मिलाकर एक महीना चलिया करता फाग नृत्य। पूरे हरियाणा के अंदर यो प्रचलित है फाग नृत्य, बढ़िया बढ़िया हरियाणवी गाने गा करते, लेकिन आज तो बस पूछो ना संस्कृति का जमाना नाश बिठा दिया, फाग ने पिप्पी के दारू डीजे पर गाने चलेंगे, पाइया पीतल तैर दू तेरा भीतर में, वो बैर गाना बाजन लाया था डीजे पर नाचा, बोले पाइया पीतल तैर दिन तेरा भीतर में, भीतर उसका बाबू सुना था, बोले हरा बेटा कड़ा पीतल का जुगाड़ से गरा गंठा तो गिलास गला चीरा, यानी गई संस्कृति तो जमा बच दे तो बचा लो। अगला नृत्य है सांग नृत्य। सांग नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यो जो सांग जो नृत्य है यो हरियाणा का राजकीय नृत्य है। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, सांग जो है हरियाणा का राजकीय नृत्य है, जिस टाइम पर सांग होया करे सांगी बीच में बैठ जाएगा बेड़ेबंद सांगी, और जो नायिका जो है वह दोरे बैठ जाएगी, फिर क्या करेंगे तकत का चुगर दे घूमेंगे, सांग में दिखाऊंगा इंडी एक एक चीज सारी की सारी, बस याद के रखने हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा, सांग हरियाणा का राजकीय नृत्य है। तो ये थी उड़ान कैंपस बरवाड़ा की तरफ से हरियाणा के लोक नृत्य। वीडियो किसी लगी एक एक बार ना कमेंट करना है, शेयर जरूर करनी सबने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत जय हरियाणा।